अब मैं आज के इस जलसे के सदर महतरम और जिनके बारे में अगर यूँ कहा जाए तो मुबालगा न होगा कि जैसे अभी मैंने इससे पहले कहा था कि हज़रत के वालद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक साहब उसामा कासमी रमतल आल अल्लाह तबारक व ताली ने गोया कानपुर और अहले कानपुर के इलाकों के लिए अल्लाह ने उनका इंतख़ फ़रमाया था फ़िर बातिला के सिलसिले में और सूरत हाल ये थी कि दर आठ दस बीस अजला में जो फितने सर उभारते थे हज़रत उसकी सरकोबी के लिए मैदान में आते थे हमने ख़ुद अपने कानों से दारुम देबंद के अकाबरीन से सुना वो ये कहते थे कि हमारे पास फितनों को भापने के लिए और फितनों को परखने वाला और फितनों को समझने वाला हज़रत मौलाना उसामा साहब से ज़्यादा कोई शख्स हमारे पास नहीं है और बल्कि मौलाना की तहरीकों से शकीलीत एक फितना जो आपके कानपुर में भी है मौलाना की तहरीरों और तकरीरों और तहरीकों के ज़रिए से मुल्क जागा है सूरत के अंदर सूरत के अतराफ में मौलमा कराम ने बाकायदा ये बात रिपोर्ट पेश की कि हम लोग तो शकीली जानते नहीं हैं कि शकीली कौन है लेकिन मौलाना उसामा साहब र्ल आल की तहरीरों से हमें पता चला और जब हमने तहक़ीक़ की तो मालूम ये हुआ कि हमारे इस इलाके में बहुत सी शकीली मौजूद हैं अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया और वह तरह तरह इतना काम कर गए कि शायद पूरी जमात और पूरी तंजीम मिल के इतना काम न कर सके उनके जानशी जानशी मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अमीन हक़ अब्दुल्ला साहब को भी अल्लाह ताला ने चुन लिया है और हज़रत अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर चल रहे हैं अभी आपके के यहाँ तशरीफ़ लाएँ झांसी से यहीं सीधे आए और यहाँ से फिर अगला सफ़र है तो जिस तरीके से मुस्तकिल मसरूफ़ रहते थे हज़रत मौलाना हक़ सामा साहब कासमी रहमतुल्लाह आलि वही मसरूफ़त हज़रत मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला साहब की भी है और वही कुरहन वही फ़िक्र और वही बेचैनी कि उम्मत को इरतदास से बचाया जाए उम्मत को बेदीनी से बचाया जाए उम्मत को ग़लत अक़ाइद से बचाया जाए इस सिलसिले में मुस्तिल फ़िकंदमंद रहते हैं और कोशिश करते हैं हम और आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मौलाना को अच्छा रखें इनको सेहत आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह इनको से खूब काम ले ये समझ ली ख़ में नबूत पर काम करना या फिर बातला पर काम करना ये अल्लाह तबारक व ताली का इंतब होता है और अल्लाह जिनको मुंतब फरमाता है अल्लाह उन बंदों से इसका काम लेता है और अल्लाह ने इस दौर में हमारे कानपुर को ये जीनत बख्शी है कि हज़रत मौलाना के जाने के बाद में इंतकाल के बाद में मौलाना अमीन अब्दुल्ला साहब का अल्लाह ने इंतब फ़रमाया है तो हम सब दुआ भी करें और जो है अल्लाह के बारगाह में कि अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे सेहत और आफ़ियत के साथ रखे अब मैं गुज़ारिश करूँगा जो कि अगला सफ़र भी हजरत का है मैं बहुत ही अदब व अहतराम से गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना अमीनल अब्दुल्ला साहब काश्मी नायब सदर जम उत्तर प्रदेश नाजिम सदर मजरस तहा खत में नबूवत कानपुर नाजिम जामिया महमूदिया अशरफ उलूम हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत hmm. अपने नूरानी और इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफीस फरमाए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू नहमादुहू व नसल्ली अला रसूलहिल करीम अमा बाद فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم वक्त भी कम है इसलिए चूँकि मुझे आगे सफ़र भी करना है मुख्तसर वक्त में मौजू से से मुतक़ कुछ गुफ्तु कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में रख रहा हूँ दुआ फरमा अल्लाह कुछ काम की बातें कहला ले जो हमारे आपके लिए मुफ़ीद हों इस वक्त जिन हालात से हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में मुसलमान गुज़र रहे हैं वो हम सबके सामने हैं हर मुसलमान का दिल इस सूरत हाल पर बेचैन है हर शख्स फिक्रमंद है अभी गुजश्त चंद सालों से जो हालात यहाँ के बने उसी को लेकर लोग बेचैन थे कि हमारे सामने पिछले 20 दिनों से आलमी इस्लाम के जो हालात हैं उनको देखकर लोग अपने दुख दर्द भूल गए अपनी तकलीफ़ें भूल गए दुआएं हो रही हैं उनके लिए और दुआ करनी भी चाहिए लेकिन इन तमाम सूरत हाल में हमें आपको दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए आप भी सुने और मुझे मालूम हुआ है कि बड़ी तादाद में ख़वान भी मौजूद हैं वो भी सुने एक तो ये गौर करना चाहिए कि ये हालात क्यों आए और इन हालात में हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं मोटी मोटी बात समझें अल्लाह ताला ने बहुत पहले से ये फैसला फरमा दिया है कि अल्लाह ताला अपने महबूब नबी की उम्मत को आज़माएंगे उसका इम्तिहान लेंगे टेस्ट लेंगे और अल्लाह ताला का ये तरीका रहा है कि जो अल्लाह के जितना करीब होता है जो अल्लाह का जितना पसंदीदा होता है जो अल्लाह का जितना महबूब होता है अल्लाह उतना ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं और वैसी ही सख्त आजमाइश में डालते हैं अल्लाह के आखिरी और सबसे महबूब नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक दीन की खातिर दीगर तमाम नबियों ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं उनमें सबसे ज्यादा तकलीफ हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने उठाई और जैसी आजमाइश दीगर नबियों की हुई उनसे ज्यादा सख्त आजमाइश अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी की ली इसी तरह दीगर मिसालें भी हमारे सामने एक तो जिस खित्ते के मुसलमान इस वक्त आजमाइश से गुजर रहे हैं जिनका नाम लेना भी गोया कि अब जुर्म बना दिया गया बजाहिर जो चीज नजर आती है कि यही अल्लाह के इस वक्त रूए जमीन पर पसंदीदा लोग हैं और अल्लाह ताला इनके अज्र को बढ़ा रहे हैं इनके मकाम को बढ़ा रहे हैं मर्तबे को बढ़ा रहे हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं जान की माल की औलाद की घर बार की हर चीज की कुर्बानी दे रहे हैं और यूं कह लें कि पूरी उम्मत की तरफ से कफारा अदा कर रहे हैं और हमें सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि यकीन होना चाहिए कि ये कामयाब लोग हैं हमारे आप के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है अल्लाह अब इस दुनिया को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहते हैं कयामत के करीब जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गोइयां इरशाद फरमाई हैं अहले इल्म का ये कहना है कि रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं गोया कि अब दुनिया का खात्मा और कयामत करीब है हमारे आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से कितने करीब हैं हम जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने करीब हैं और हम जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आजमाइश के लिए कितना तैयार हैं क़ुरान करीम में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि तुम मुसलमान चाहे मर्द हो या औरतें हो कि तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम मेरे महबूब नबी की उम्मत हो तुम मेरे लाडले नबी की उम्मत हो दीगर तमाम नबियों की उम्मतों में तुम्हारा मुकाम तुम्हारा मर्तबा सबसे बुलंद है और साथ में तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें तमाम इंसानों के लिए तमाम इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनना है नफ़ा बख्श बनना है नमूना बनना है कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि लक़दकान फिर रसूल उस वत सना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और आइडियल है क़यामत तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो भी परेशानियां आएंगी उनका हल और उनका सोल्यूशन ये जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम की जिंदगी में और आपकी तालीमत में मौजूद है हमें आपको बेहतरीन उम्मत करार देकर हमारे आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि हम दूसरों के लिए नफा बख्श बने दूसरों को फायदा पहुंचाएं दूसरों को सच्चा रास्ता दिखलाएं दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोलूशन पेश करें हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद वसल्लम की जिंदगी में और आपकी तालीमात में कयामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल मौजूद है तो अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया के सामने उसका हल पेश करें लेकिन उससे पहले तवज्जो से सुनिएगा मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाहता हूं आपस में उससे पहले क्या करना है मैंने कुरान की आयत पढ़ी ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ तो दो चीजें हमारे सामने हैं एक खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है और दुनिया को और दुनिया वालों को जहन्नम की आग से बचाना है ये दो चीजें हो गई अब देखें हमारे माशरे में एक दीनदार और अच्छा इंसान किसे कहा जाता है उसे कहा जाता है जो मस्जिद जाता हो नमाज पढ़ता हो मदरसे सेलमा से, से ताल्लुक रखता हो उसी को दीनदार कहा जाता है और घरों में दीनदार बच्ची कौन सी कहलाती है जो नमाज पढ़ लेती हो बुरका ओढ़ लेती हो इसे दीनदार कहा जाता है लेकिन आप देखें कि आग में ले जाने वाली और कितनी चीजें हैं जो हम हमारे अंदर पाई जाती हैं जो हमारे मुआरे को खराब कर रही हैं जो हमारे मुआरे को तबाह कर रही हैं जो हमको जहन्नम में ले जा रही हैं और हमारे घर वालों को जहन्नम में ले जा रही और फिर जो हमारी जिम्मेदारी थी बेहतरीन उम्मत होने की हैसियत से कि हमें दुनिया वालों को रास्ता दिखाना था जन्नत का हमें दुनिया वालों के मसाइल का हल पेश करना था हमें दुनिया वालों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश करना था जाहिर सी बात है जब हम खुद अपने मसाइल हल नहीं कर सके और हम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाने पे तुल गए तो हम दुनिया वालों को क्या हल पेश करेंगे हम दुनिया वालों को क्या सोल्यूशन बतलाएंगे आज जिस मुआरे में और जिस समाज में हम रह रहे हैं हमें अपने मुआरे का जायजा लेने की जरूरत है कि ऐसी कौन कौन सी खराबियां हैं जो हमारे मुआरे को दीमक की तरह खा रही हैं नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं कुरान की तिलावतें भी हो रही हैं मस्जिदें भी आबाद हैं मदारिस भी आबाद हैं दिन के सारे काम हो रहे हैं बड़ी तादाद में भी मौजूद हैं हुफाज़ भी मौजूद हैं बड़े बड़े मुस्लिम इलाके हैं सारी दीनी रौनक नज़र आ रही है उसके बावजूद हमारा मुआरह अखलाक एतबार से माशरती एतबार से मामला के एतबार से दीन से इस्लाम से कुरान से मोहम्मद रसलह से कितना दूर होता चला गया और जो होता चला जा रहा है चंद चीजों पर जिन पर मुझे आज खास तौर पर यहां गुफ्तु करनी है एक तरफ आलमी हालात और एक तरफ हमारा मुआरा एक तरफ लोगों की कुर्बानियां उनकी शहादतें दूसरी तरफ हमारी गफलत और हमारी हरकतें इस वक्त हर मुसलमान इस बात को लेकर बेचैन है कि पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है इसमें कोई शक नहीं कि यकीनन ऐसा है लेकिन हम कभी बैठकर कर ये जायजा लें और बहुत बड़े सर्कल में सोचने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने इलाके में अपने घर से शुरुआत करें फिर अपने महल्ले का जायज़ा लें कि में आपस में कितने इख्लाफा और कितना इंतजार है हम में आपस में कितनी लड़ाइयां हैं और कितने झगड़े हैं मुझे आप बताइए क्या सगे भाइयों में घरों में झगड़े नहीं हो रहे और झगड़े कैसे हो रहे दो सगे भाई एक कोक से पैदा हुए एक माँ की आगोश में पले बड़े एक बर्तन में खाया एक साथ खेले कूदे एक साथ तालीम हासिल की शादी हो गई बच्चे हो गए अब घर को लेकर बीवी बच्चों को लेकर ऐसा झगड़ा हो गया कि सालों सालों एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाप बेटे में जायदाद के नाम पर इख्तलाफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा कारोबार को लेकर इख्तलाफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा और चचा भतीजे में जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं कि नहीं हो रही और कैसी लड़ाइयां हो रही ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मेरे सामने कुछ मिसालें हैं आप हजरात के सामने ज़्यादा होंगी कि बहुत घर में खुशियाँ दो भाइयों में मोहब्बत है सब कुछ है बड़े भाई का इंतकाल हुआ अभी छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी अब उसकी शादी हुई उसके बच्चे हुए और उसने अपने बड़े भाई के सारे एहसानात फरामोश करके छोटे भाई को जायदाद से छोटे भतीजे को जायदाद से बेदखल कर दिया कई साल तक केस चला लाखों रुपए खर्च हुए तब जाकर फैसला हुआ और बेजती अलग हुई ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं इशारे कि ये सब झगड़े हमारे घरों में हो रहे हैं, सास बहू का हमारी ख़वातीन सुन रही हैं और मैं किस बैकग्राउंड में ये बात कर रहा हूं जो चीजें मैंने इशारे के तौर पर अर्ज की एक तरफ आलमी हालात एक तरफ हमारी जिम्मेदारी और दूसरी तरफ हमारा मुआशरती और घरेलू किरदार कि हमें इस मौके पर क्या होना चाहिए हमारे सामने नमूना कौन लोग हैं दुनिया के हालात कैसे हैं और हम कहाँ खड़े हैं हमारी खवातिन सुन रही हैं क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर घर में सास बहू के झगड़े नहीं हो रहे हैं क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर नंद और भावच के झगड़े नहीं हो रहे छोटी छोटी चीजों को लेकर बीवी को लेकर बच्चों को लेकर दो भाइयों में किचन को लेकर झगड़े हो रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या थी दुनिया को हल पेश करना दुनिया के सामने मसाइल का सॉल्यूशन पेश करना लेकिन हमारा घर इस वक्त झगड़ों का मरकज बना हुआ है और ये झगड़े कब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हम अपनी नाक नीची नहीं करेंगे जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि इस जिंदगी का इस नाक का जिसको लेकर आज हम खड़े हैं इसका सबका जो इख्तिताम है वो मौत पर है हर किसी को मरना है हर किसी को जाना है बड़ी बड़ी कई कई किलोमीटर पर मुश्तमिल आबादी सैकड़ों मुसलमानों पर मिजाइल बरसा और रातों रात में पूरी की पूरी आबादी खत्म हम चाहे यहाँ अपने बिस्तर पर मरे वो चाहे वहां बम्बारी का शिकार हो मरना सबको है इस मुख्तसर सी जिंदगी में चार दिन की जिंदगी में जरा जरा सी चीजों को लेकर घरों में इस तरह झगड़े होना कि भाई भाई का चेहरा देखना गवारा ना करे और बहू अपनी सास का और सास अपनी बहू का चेहरा देखना गवारा ना करे क्या ये आज के हालात में मुसलमानों को शोभा देता है इस इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं कि गलती किसकी होती है ये सब काम तो कजा के हैं बहसियत मुसलमान हमारी खवतीन को और हमें इस चीज़ का एहसास करने की जरूरत है क्या अब वो हालात रह गए हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर घरों में झगड़ा पैदा करें अब तो वो वक्त है कि दूसरों के लिए कुर्बानी दिया जाए और अपनों के लिए तो बदरजा उला कुर्बानी दी जाए अपने भाई के लिए कुर्बानी दी जाए अपने भतीजे के लिए कुर्बानी दी जाए अपने घर वालों के लिए कुर्बानी दी जाए बहू अपनी सास के लिए कुर्बानी दे सास अपनी बहू के लिए कुर्बानी दे खत्म करिए लड़ाई झगड़े दिलों में जगह पैदा कीजिए मोहब्बत पैदा कीजिए एक दूसरे के लिए दब जाने का मिजाज बनाइए कुर्बानी देने का मिजाज बनाइए और जहन में उन मुजाहिदीन को बैठाइए जो हमारे आप की तरफ से कफारा अदा कर रहे हैं और पूरा पूरा घर उनका पता चला घर में पंद्रह अफराध हैं अभी तक जिंदा थे और दो घंटे के बाद शहादत की खबर आ रही है उनको अपने जहन में रखिए हम ठीक है हम उनकी मदद नहीं कर सकते उनके लिए दुआ कर रहे हैं हम इस तरह उनको खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं कि हम आज ये तय कर लें कि हम अपने घरों से झगड़ों को खत्म करेंगे हम भाई भाई के झगड़े को खत्म करेंगे हम जायदाद के झगड़े को खत्म करेंगे हमको दुनिया से शिकायत है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन आप जाइए कचहरी जाकर देखिए कोर्ट कचहरी में आधे से ज्यादा मुकदमे वो मिलेंगे जो मुसलमानों ने मुसलमानों पर कर रखे हैं जो सगे भाइयों ने सगे भाई पर कर रखे हैं जो भतीजे ने अपने चचा पर और चचा ने अपने भतीजे पर कर रखा है और बहुत सारे मुकदमा वो मिल जाएंगे जिसमें बेटे ने अपने बाप पर और बाप ने अपने बेटे पर मुकदमा कर रखा है हमारे माशरे में क्या हो रहा है हवातीन भी सुने आप भी सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के हवाले से फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं मैं पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया हूं और कुरान अभी जिसका मौलाना तस्किरा कर रहे थे इसकी जो पहली आयत नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है एक पढ़िए और जिन मुजाहिदीन का हम तस्करा कर रहे हैं वो जाहिर लोग नहीं हैं वो एक से एक डिग्री याफ्ता है एक से एक काबिल लोग हैं जिस मजहब ने तालीम को इतनी अहमियत दी हो कि कुरान की पहली आयत पढ़ने का हुक्म दिया गया हो और उस मजहब के आखिरी पैगंबर ने नबी ने अपने आप को पढ़ाने वाला करार दिया हो उस कौम का यह हाल हो सरकारी आदात शुमार है कि हिंदुस्तान में सिर्फ चार फीसद मुसलमान पढ़ते हैं छियानवे फीसद पढ़ते ही नहीं है हम किस मुंह से दूसरों से शिकवा करें हम किस मुंह से दूसरों को मुरीद इल्जाम ठहराएं यह हालात हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है हमें अपना रवैया बदलना होगा दुनिया में वही लोग तरक्की करेंगे जो तालीम हासिल करेंगे जो तालीम पर मेहनत करेंगे फिर वो चाहे हिंदी अंग्रेज़ी की तालीम हो फिर वो चाहे मदरसे में कुरान हदीस की तालीम हो जो आला तालीम हासिल करेगा वो तरक्की करेगा खूब अच्छी तरीके से हमें समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व दुनिया को दारुल असबाब बनाया है दुनिया का एक निज़ाम बनाया है ठीक है हम मुसलमान हैं तो मरने के बाद हमारे साथ खुसूसी मामला होगा लेकिन दुनिया में जो पढ़ेगा वो तरक्की करेगा तो आज से यह तय करें आलमी हालात के पेश नजर और इस्लामी तालीमत के पेश नजर के हम कम से कम इस महल्ले वाले अपने इलाके में तालीम को रवाज देंगे और तालीम से मतलब यह नहीं है कि हाई स्कूल कर लिया बस अब हमारा पासपोर्ट बन जाएगा काफी है आला तालीम के लिए मेहनत करेंगे जिस तालीम की आज इंसानों को जरूरत है उसके लिए मेहनत करेंगे आज इंसानों को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है जो लूटमार ना करें जो गरीबों का ख्याल करें जो मुनासिब फीस लेकर अच्छा और ईमानदाराना इलाज करें मुसलमानों की यह मनसबी जिम्मेदारी है पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं अच्छा डॉक्टर बनाएं और इंसानों की इस जरूरत को पूरा करने में अपना किरदार अदा करें और यह तालीम यह गरीबी और अमीरी नहीं देखती आपको हजारों सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी कि गरीब पढ़कर आज किसी लायक बन गए हैं और वो हुकूमत चलाने में हिस्सेदार हैं हर साल जो लिस्ट आती है जो आई वगैरह का आई एस पी का एग्जाम पास करते हैं आपको उसमें अक्सरियत गरीबों की मिलेगी उनकी तारीख उठाकर देखिए खुद मैंने अखबार में एक लड़के की ये स्टोरी पढ़ी कि कई महीनों तक उसने अपने हाथ से मुंह में निवाला नहीं डाला था बल्कि वो किताब लिए बैठा रहता था और उसकी बहन उसके मुंह में निवाला डालती थी उसने आई का एग्जाम पास किया था एक बच्चे की फोटो आई थी कि उसके घर में रोशनी नहीं होती थी तो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें वो रात भर बैठकर अपनी एग्जाम की तैयारी करता था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसे वाकियात में कोई मुसलमान नजर नहीं आता तो मेहनत जो तरक्की वही करेगा जो मेहनत करेगा तरक्की वही करेगा जो तालीम हासिल करेगा और आला तालीम हासिल करेगा तालीम का मिजाज बनाइए आज हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पैगंबर ने सफाई को आधा ईमान करार दिया है पढ़िए मजहब इस्लाम को होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया को बताते कि देखो हमारे मजहब में सफाई सुथराई की कितनी अहमियत है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों के महल्ले गंदगी से पहचाने जाते हैं अगर कोई महल्ला गंदा है तो फिर वो मुसलमानों का महल्ला होगा अगर किसी महल्ले की सड़कें टूटी हैं और दस साल से बनी नहीं है तो वो मुसलमानों का महल्ला होगा अगर किसी महल्ले में चार महीने से सीवर लाइन भरी है और नालियों में गंदा पानी बह रहा है उससे नमाजी भी गुजर रहे हैं लेकिन किसी को तोफीक नहीं है कि दस आदमी जाए कारपोरेटर कार्पुरे, साहब के पास कि भाई दिक्कत होती है आप बनवाएं अगर ऐसा कोई बेहिस महल्ला है तो मुसलमानों का होगा है कि नहीं मैं गलत कहूं तो आप मुझे पकड़िएगा जिस पैगंबर ने हमें यह तालीम दी हो कि सफाई आधा ईमान है दुनिया की किसी भी मजहब ने यह तालीम नहीं दी अपने मानने वालों को सफाई के ताल्लुक से उस मजहब के मानने वालों का यह हाल हो जाए याद रखिए जो सफाई सुथराई पसंद होगा उसी के दिल में लोगों की मोहब्बत उसी की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा होगी गंदे आदमी से कोई मोहब्बत नहीं करता आज हमारा क्या हाल है सफाई पे बात चली है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन जरा सोचिएगा कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों में है जो गुटके की आदि है सेहत पर बात बाद में आएगी कि उसके सेहत के क्या नुकसान है दांत गंदे मुंह गंदा हर वक्त मुंह से महका रही है फिर जो लोग बिल्कुल गुटखा खाने के आदि हो जाते हैं जिनके दांत बिल्कुल लाल होते हैं फिर वो ब्रश करना भी बंद कर देते हैं ये तो एक गंदगी हुई फिर उसके बाद गुटका खा रहे हैं रास्ता चलते थूक रहे हैं रोड भी गंदी कर रहे हैं और चार लोग देख कर घिन्ना भी रहे उससे दूर भी भाग रहे हैं ऐसे आदमी से कोई मोहब्बत करेगा ऐसे आदमी के कोई करीब आएगा ऐसे आदमी के मजहब को कोई पसंद करेगा पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़िए सहाबा की जिंदगी पढ़िए औलिया अल्लाह की जिंदगी उनकी जिंदगी में आपको नमाज रोज़े और इबादत के साथ साथ सफाई नजर आएगी दास साफ हैं नाखून कटे हुए हैं बाल बराबर हैं साफ सुथरे कपड़े हैं खुशबूदार कपड़े हैं आज हम अपने महल्लों का अपने समाज का जायजा लें कि हमारे बच्चे कितने साफ रहते हैं आज भी इस मुल्क में रोजाना नहाने का अगर किसी कौम का मिजाज है तो वो मुसलमानों का नहीं है माफ कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत कहूं तो पकड़ लीजिएगा क्योंकि इस्लाह माशरा का प्रोग्राम है इस हवाले से हमें माशरती सतह पर सोचने की जरूरत है कि सफाई सुथराई के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं हम साफ होंगे तो दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी हमारे मजहब की मोहब्बत करेगी हमारे नबी से मोहब्बत करेगी लेकिन वो कब करेगी जब हमारे करीब आएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया जिसका मफहम यह है कि अल्लाह ताला को ताकतवर बंदा पसंद है कमजोर बंदा पसंद नहीं है आज ताकत के एतबार से सबसे कमजोर मुस्लिम नौजवान मिलेंगे आपको नशे के आदि वो शायद ही कोई मुस्लिम महिला हो जो नशे से बचा हो और इसमें मर्द औरत और 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 की कैद भी नहीं है लड़का लड़की की भी कैद नहीं है वो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो सब नशे के आदि हो रहे हैं बड़ी बड़ी उम्र की औरतें नशे की आदि हो रही हैं बड़ी बड़ी उम्र के मर्द नशे के आदि हो रहे हैं घरों में छोटे छोटे बच्चों के सामने बैठकर आप अगर गुटखा खाएंगे बीड़ी पिएंगे दूसरे नशे करेंगे तो कल बड़े होकर वो बच्चे आदि हो, हो रहे हैं और उसकी वजह से सेहतें कितनी खराब हो रही हैं कितने कैंसर के मरीज हो रहे हैं कितनों को ऑपरेशन कराना पड़ रहा है ये तो एक पहलू हो गया नशे के हवाले से फिर हमारा खान पान क्या हो गया वही तेल मिर्च मसाला जिससे हमारी सेहतें खराब हो रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को ताकतवर मुसलमान पसंद है चाहे हम हो या आप हो आज मुसलमानों के अस्सी फीसद नौजवान पेट के मरीज हैं है कि नहीं है यह मुसलमान की शान नहीं है यह अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज रोज़ा सिखाने के लिए नहीं आए थे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए थे एक अच्छा शहरी एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए आए थे और फिर हमारे नौजवानों का क्या हाल है और हमारे महल्लों का क्या हाल है अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई दिन जागने के लिए बनाया हमारे अक्सर मोहल्ले में देर रात तक होटल खुले रहते हैं उसी के मुकाबले में आप गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाइए तो वहां आपको 11 बजे के बाद होटल दुकानें खुली नहीं मिलेंगी सुबह 4 बजे से आपको बड़ी तादाद में लोग एक्सरसाइज करते हुए और दौड़ते हुए मिल जाएंगे और मुस्लिम नौजवान 4 बजे आंख बंद करता है सोने के लिए कौन तरक्की करेगा कौन कामयाब होगा किसकी कौम का नाम रोशन होगा एक तरफ हम अपना मुआशरा देखें अपना किरदार देखें अपना रवैया देखें ठीक है दूसरों को इल्जाम लगाना बड़ा आसान है अपनी बर्बादी का ठेकरा दूसरे के सर पे फोड़ना बहुत आसान है अपने गिरबान में झांकना मुश्किल है ये हालात आए हैं मुसलमानों अपने गिरबान में झाको, ये अलार्मिंग सिचुएशन है अपने आप को बदलो हमारी जिम्मेदारी क्या थी हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि हम खुद भी तालीम हासिल करते और ऐसे तालीमी इदारे कायम करते जिसमें हर शख्स पढ़ सके मुसलमानों की तारीख उठाकर देखिए बहुत शौक है हमको कॉलर उठाकर चलने का और मियाँ भाई बनने का सुनिए मियाँ भाई किसे कहते हैं मियाँ भाई उसे नहीं कहते जो कॉलर उठाकर चले सिर्फ कई सौ साल तक मियाँ भाइयों ने हुकूमत की है तो मेडिकल और एजुकेशन इसके पैसे नहीं लिए कई सौ साल तक मुसलमानों की हुकूमत में मेडिकल के पैसे नहीं लिए जाते थे मुफ्त इलाज हुआ करता था या बहुत कम पैसों में इलाज हुआ करता था और या तो तालीम मुफ्त हुआ करती थी या बहुत कम पैसों में लोगों को तालीम दी जाती थी कि इंसानों का बुनियादी हक है आज जब तालीम को इतना कमर्शलाइज कर दिया गया लाखों लाखों रुपए की किताबें और हजारों रुपए की फीस कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को आला तालीम नहीं दिला सकता ये मुसलमानों की हमारी आपकी जिम्मेदारी थी कि हम खुद भी तालीम हासिल करते और बिला तफरीक मजहब सबके लिए आला तालीमी इधारों का इंतजाम करते जहां मुनासिब फीस में गरीब भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता तब सही मानों में हमें कालर चौड़ा करके अपने आप को मियाँ भाई कहने का हक था आज जब इलाज को कमर्शलाइज कर दिया गया और डॉक्टरों ने डॉक्टरों की शक्ल में शैतान माशरे में मौजूद हैं जो जो गरीब की जान से खेलते हैं चंद टकों की खातिर जो इंसानों की जानों का सौदा करते हैं हम मुसलमानों की यह जिम्मेदारी थी कि हम दुनिया के सामने यह नमूना पेश करते कि इस्लाम क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात क्या है और मुसलमान क्या है हम लोगों के लिए अच्छे सस्ते इलाज का इंतजाम करते हम तो खुद को मरीज किए बैठे हैं हम तो खुद को बीमार किए बैठे हैं ये हालात आए हैं अपने गिरबान में झांकने के लिए हमारे घरों का क्या हाल है हमारी बच्चियां किधर जा रही हैं आला तालीम बहुत अच्छी चीज़ है मैंने भी आला तालीम का तस्करा किया लेकिन तालीम का इतना खब तो हो जाना कि समाज को भी छोड़ दें अखलाकियात भी छोड़ दें पर्दा भी छोड़ दें दीन भी छोड़ दें अल्लाह को भी छोड़ दें फिर अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम दूसरों को दें कि फलानी हुकूमत ने यह कर दिया और फलानी हुकूमत ने, ने यह कर दिया पर्दा ये इस्लाम का बुनियादी हुक्म है खवातीन तवज्जो से सुने गौर से सुने अगर अपने अंदर तब्दीली ला सकती हैं तो तब्दीली लाए वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद हैं और हम खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी से गढ़ा खोद रहे अपने लिए वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो पूरी उम्मत की तरफ से कफारा अदा कर रहे हैं और वो कामयाब लोग हैं हम ये ना सोचें कि उनके चक्कर में हम भी कामयाब हो जाएंगे नहीं सिर्फ उनका नाम लेने से कामयाब नहीं हो जाएंगे अपने किरदार को बदलने से कामयाब होंगे पर्दा इस्लाम का बुनियादी हुक्म है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी औरत के लिए नामहरम मर्द को देखना हराम और मर्द के लिए नामहरम औरत को देखना हराम और तीन तरह के पर्दे एक तो बिल्कुल अजनबियों वाला पर्दा कि बिल्कुल ना आवाज सुन सकते हैं बिला जरूरत और ना देख सकते हैं देख तो सकते ही नहीं है आवाज भी बिना जरूरत नहीं सुन सकते बिल्कुल अजनबी एक वो रिश्तेदार हैं जिनकी चेहरा नहीं देख सकते लेकिन बात कर सकते हैं फासले से बैठकर जैसे कजन हो गए कजन भाई बहन ये एक दूसरे के लिए महरम नहीं है चेहरा नहीं देख सकते एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते एक दूसरे का नाजायज है पूछिए ओलामा कराम से हमारे घरों में इसका लिहाज किया जाता है देवर भाभी एक दूसरे के लिए नामहरम है एक साथ बैठना नाजायज है एक दूसरे को देखना नाजायज है हमारे घरों में इसकी एहतियात की जाती है ये वो चीजें हैं जो हमको जहन्नम की तरफ लेकर जा रही हैं और फिर हमारी खवतान का लिबास क्या है आज दुकान में चले जाइए तो आपको पूरी मार्केट में सिर्फ स्लीवलेस कपड़े मिलेंगे अगर आप अपनी बच्ची के लिए भी आस्तीनदार कोई फ्रॉक या कोई जंपर ढूंढने चली जाइए तो मुझे नहीं लगता आपको दो चार पांच जिलों में कोई ऐसी जंपर या कोई ऐसी फ्रॉक नजर आएगी और बड़ी उम्र की खबीन सब आपको हाफ आस्तीन नजर आएगी यह हाथ किसको दिखाना है यह हाथ देखने का हक हाँ सिर्फ शोर को है और यह छोटी बच्ची है इसको अभी से अगर हम ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा तुम्हारा पूरा जिस्म पड़ जाए बड़े होकर अगर लाख हम उसको समझाएं कि तुम अपना जिस्म छुपाओ हम उसका जहन नहीं बदल सकते बचपन से हमने जो उसको सिखा दिया वो उसके जहन में बैठ गया लेकिन हमने इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझा कुरान कह रहा है खुद भी आग से बचो अपने घर वालों को आग से बचाओ ये घर के मर्दों की और घर की बड़ी खुतिन की जिम्मेदारी है कि वो इस पर तोज्जो दें सख्ती करें इस पर बचपन से सख्ती करनी पड़ेगी और जब घरों में यह आजादाना माहौल होता है फिर वो बच्ची बाहर स्कूल में जाती है फिर वो दोस्तियां करती है और फिर वालदे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दी कोई दुआ कर दीजिए जिस वक्त रोकने का वक्त था हमने तवज्जो नहीं दी तो उसका नतीजा वही निकलना है जो आज निकल रहा है और आज भी अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो आने वाले दस पंद्रह सालों में इससे ज्यादा खतरनाक नताज हमको भुगतने पड़ेंगे फिर वो चाहे पढ़े लिखो की घर की बच्ची और बच्चे हो चाहे जाहिलों के हो आज हमारा 22 से 25 साल का कोई नौजवान ऐसा नहीं है जिसको डॉक्टर कह दे कि ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है आज हमारी शादी ब्याह में खर्च की वजह से ऐसा बोझ मुआरे के ऊपर ऐसा नासुरू डाल दिया गया है कि वक्त पर शादी करने को कोई तैयारी नहीं है कि जब तक जॉब ना लग जाए जब तक सेटल ना हो जाए तब तक शादी नहीं करेंगे और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अच्छी खासी उम्रें हो जाती हैं गुनाहों में मुब्तला होते हैं सेहत भी ज़ाय करते हैं और अल्लाह को भी नाराज करते हैं जिंदगी भी बर्बाद करते हैं इसका जिम्मेदार कौन है हमारा समाज नहीं है हमारा मुआरा नहीं है आज हमारे माशरे में 80 फीसद से ज्यादा बाप अपनी बेटी की शादी करते हुए मकरूज हो जाते हैं आप बताइए होते हैं कि नहीं होते क्यों हो जाते हैं कौन सा ऐसा खर्च है जो शरीयत ने लड़की के बाप पर रखा हो ये जहेज क्या चीज है इस्लाम में जहेज नाम का कोई तस्वुर नहीं है और जो लोग बहुत बचते हैं कहते हैं हम तो डिमांड नहीं करते कोई दे दे तो दे दे यह भी धांधली है यह धोखेबाजी है लड़की का बाप समझता है नहीं देंगे तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या मामला हो खुलकर कहिए हमें नहीं लेना मैं एक साहब को जानता हूं हमारे खानदान में उन्होंने कहा अगर आपने भिजवाया तो हम दरवाजे से वापस कर देंगे हम उतारेंगे भी नहीं इस तरह मना करना इसे कहते हैं जहेज के लिए मना करना और ये तो बहुत जो बहुत मुत्तकी परहेजगार होगा वो ये कहेगा कि हम डिमांड नहीं करते वरना हमारे समाज में तो जब शादी होती है तो लड़के वाले ऐसे समझते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें अब इसकी जान निकालने की ड्यूटी दी है लड़के के बाप की जान अब अब हमें निकालना है जितना इसको निचोड़ लें जितना इसका खून चूस लें वो कम है एक तरफ वो बाप जो अपनी लखते जिगर जो अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा है पूरी जिंदगी के लिए एक बच्ची से कितनी मोहब्बत होती है बाप को बदाहिर देखने में मां बाप खुश नजर आ रहे होते हैं उनका दिल अंदर से बेचैन होता है कि आगे हमारी बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसे में इंतहाई बेगैरत और बेशरम होते हैं वो घराने जो लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा करते हैं और लिस्ट बनाकर भेजते हैं कोई गली में हमारे मोहल्ले में कटोरा लेकर कोई भिखारी आए दो, दो चार चार पांच पांच रुपए भीख मांगने के लिए तो उसे हम भिखारी कहते हैं और ये जो लाखों लाख रुपए की लिस्ट भेजते हैं ये कितने बड़े भिखारी हैं मुसलमानों को चाहिए कि जिस घराने के बारे में ये मालूम हो जाए कि उन्होंने लड़की के बाप को डिमांड भेजी है पूरे मोहल्ले में उन्हें भिकारी कहकर पुकारा जाना चाहिए क्या मुंह दिखाएंगे कल मैदान महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये हमारे मुआरे का नासूर है इसे खत्म करना पड़ेगा कहने को बहुत कुछ है ये हालात जो हैं उम्मत मुस्लिमा पर ये आने हैं आजमाइश होनी है और आजमाइश हो रही है जो इस आजमाइश का मुकाबला कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं हमें अपनी फिक्र करनी है कि हम कहां खड़े हैं हमें अपनी फिक्र करनी है कि हम इस आजमाइश में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं और अब वो वक्त है जब छटनी हो रही है दो दो चार की तरह कि हां भाई जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है ईमान वाले कौन है और बेईमान वाले कौन हैं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे हमारी गफलत की बिना पर हमारा नाम ईमान वालों की फहरिस्त खारिज कर दिया जाए खूब अच्छी तरीके से याद रखिए सिर्फ हमारा नमाज रोज़ा सिर्फ हमारी इबादतें ये हमें जहन्नम से और अल्लाह के सामने बास पुरुष से बचा नहीं सकती हमें अपने अंदर की इन अखलाकी बीमारियों को इन मुआरती बीमारियों को दूर करना पड़ेगा जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे हम खुद को भी जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं और हम अपने घर वालों को भी जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं एक हदीस कु है कि अल्लाह ताला ने जब्रैल आल्लाम को हुक्म दिया कि फला बस्ती वालों को अजाब में मुबला कर दो अजर जब्रैल ने कहा कि फला बस्ती की मस्जिद में आपका एक बंदा है जो सुबह शाम आपकी इबादत में लगा हुआ है जो पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं करता अल्लाह ताला मेरे रब अगर उस बस्ती पर अजाब नाजिल करेंगे तो वो भी हलाक हो जाएगा तो अल्लाह ताला, ताला ने इरशाद फरमाया अजाब की शुरुआत उस बंदे से करो पूरी उम्मत गुबरा होती रही उसका ईमान खराब होता रहा उसका किरदार खराब होता रहा अखलाकी और बिगाड़ आता रहा और इसको अपनी नमाज रोजों की फिक्र है आज हमारे सामने जो खुद को दीनदार कहते हैं उनके सामने यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या सिर्फ हमारी इबादतें हमें बचा लेंगी मुसलमानों ये हालात अल्लाह ताला ने भेजे हैं ताकि अभी भी वक्त है अपने आप को बदलो और खूब अच्छी तरीके से ये बात समझ लीजिए लाख तकरीरें हो जाएं लाख जलसे हो जाएं कितना भी कुछ कह लिया जाए अगर हम में से हर हर फर्द ने अपने को बदलने का इरादा नहीं किया तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं इनका कोई फायदा नहीं मुहाफिज वलीउद्दीन साहब ने स्टेज सजा दिया और बड़े बड़े मौलाना साहब आ गए उन्होंने बयान कर दिया और बहुत अच्छा और बड़ा जोशीला बयान किया और वाह वाह तारीफ़ हो गई और मौलाना साहब भी खुश होकर चले गए कि हमारे बयान की इतनी तारीफ हुई और पब्लिक भी तारीफ करके चली गई बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये तो पहले ज़माने में हुआ करता था कि एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकालते थे अब तो इधर ही से सुन के इधर से निकाल देते इतना टाइम का है कि यहां से यहां तक लेकर आए अगर ये रवैया जो चला आ रहा है हमारा अगर ये रवैया बाकी रहा तो यकीन मानिए किसी को कोसने से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है हमने अपना रवैया नहीं बदला कोई भी हुकूमत आए कोई भी हुकूमत जाए हमारे लिए बर्बादी हमारा मुकद्दर है और अगर हमने ये तय कर लिया कि हम अपने आप को बदलेंगे अपने घर वालों को बदलेंगे तो फिर चाहे कोई हुकूमत रहे दस साल नहीं सौ साल नहीं क़यामत तक भी रहे तब भी इन हमारा शुमार कामयाब लोगों में होगा तो इन बातों पर अमल करेंगे आज से अपने आप को बदलने की नीयत कर रहे हैं ना अल्लाह सब को अमल की अता फ़रमाए जिन हजरात ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए और जो लोग भी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्लाम की खातिर दीन की खातिर अल्लाह के पकीदा घर की खातिर उस मुकद्दस ज़मीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं उनके लिए जितनी दुआएँ कर सकते हो वह दुआएँ करें अल्लाह ताली उनकी मदद फरमाए उनको हिम्मत हौसला आता फरमाए पूरी उम्मत की तरफ से उनको जजाय खैर आता फरमाए और अल्लाह ताला जालिमों को नेस्त नाबूद फरमाए बर्बादी जालिमों का मुकद्दर है और इंशाला वो बर्बाद और नाकाम होकर रहेंगे वाखिर दिन अलहमदिल्ला अब मैं शहर के एक मशहूर आलम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद समीउल्लाह साहब काशमी जो इमाम व खतीब हैं बड़ी मस्जिद बेनझाब बेनाझर के मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाए और दुआ फरमा दें हज़रत मौलाना अमीन ललक अब्दुल्ला कासमी दामद बरक़तल आलिया का बयान आप हज़रत ने सुना इंतहाई हम सब के लिए सबक़ है और इस सबक को याद रखना है भूल नहीं जाना है क्योंकि जो ये शख्सियत है इनके बाप तो मुजाह मिल्ल थे ही थे इनके दादा इनके नाना पूरा घराना पूरा घराने का एहसान है कानपुर पर ये बैठे हुए हैं जना महमूद आलम साहब कुरशी साहब बहुत पुराने जमीत के ज़िम्मेदारों में से हैं इनसे पूछिएगा कि इनके दादा की कितनी अज़ीम कुर्बानी है उस तफसली में नहीं जाना है मुझे वक्त नहीं लेना है इन शह किसी मौके पर बात कर लेंगे लेकिन मेरे भाई हज मौलाना ने जो बहुत दिल की गहराई से बात की है उस पर अमल की कोशिश करेंगे और असल चीज़ अमल है मौना ने फरमाया ना असल चीज़ तो अमल है ये महल्ला और ये बुज़ुर्गों की मंडी है रही है बुज़ुर्गों की मंडी रही है ऐसी शख्सियतें यहाँ से पैदा हुई हैं जो पूरे हिंदुस्तान उसको उनको याद रखता है जिसमान आज़फ़ुद्दीन साहब नबूल उम्र कदबू रजमानासीद्दीन साहब नबूल शाम साहब नबूल बड़े बड़े अकाबिल की निगाह रही है इस कुली बाज़ार पर और इसलीज़ार ये कुली बाज़ार वाले अगर अजम कर लेंगे बदलने को तो इंशाल्लाह पूरा शहर बदल जाएगा अल्लाह हम सब को तौफीक दे दुरुस्ट्री पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबूदु व ईया نستईन اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين الله. अपने फजल से अपने कर्म से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह आप हम सब से नाराज़ हैं जिसकी वजह से ये हालात पूरी उम्मत पर आ गए हैं अल्लाह अपनी नाराज़गी को दूर फरमा दीजिए हम सब को सच्ची पक्की तोबा की तौफीक अता फरमा अल्लाह हम सब ने दिन के उजालों में रात की तारिकियों में जान कर अनजान कर बड़े बड़े गुनाह किए हैं मौला इस जुर्म अज़ीम को माफ़ कर दीजिए इस जुर्म अज़ीम को माफ़ कर दीजिए ए अल्लाह आपका दिया हुआ खाया और आपका दिया हुआ पहना उसके बावजूद आपकी खुल्लम खुल्ला बगावतें करते हैं ए अल्लाह इस जुर्म को माफ़ कर दीजिए ए अल्लाह आप नहीं माफ़ करेंगे तो कौन माफ़ करेगा आप तो हम सब के अल्लाह हैं हम सब के मालिक हैं हम सब के रब हैं ए अल्लाह एक माँ को अपने बच्चे पर शफकत आ जाता है ए अल्लाह आप तो सत्तर माहों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं अल्लाह अपनी रहीमत के रहमत की चादर डाल दीजिए और पूरी उम्मत की हिफाज़त फरमा पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा अल्लाह उस मुक़दस घर की हिफाज़त फरमा और जो उस मुक़दस घर की हिफाज़त के लिए अल्लाह एल्ला शहीद हो रहे हैं ज़ख्मी हो रहे हैं अल्लाह उनको अजर अजीम अताफ़रमा नमलबदल अता फ़रमा ऐसे हिम्मत वाले एल लोग अता फ़रमा तो कि बैतुल उस उस मुक़दस मकाम की हिफाजत के लिए पूरी पूरी कुरबानियाँ देने वाले अपने फजल का मामला फरमा दीजिए अपने कर्म का मामला फरमा दीजिए जो बे औलाद हैं उनको नेक साल औलाद नसीब फरमा और बच्चिया शादियों के लायक हैं उनको दीनदार रिश्ते नसीब फरमा जो झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं एल्ला उनको नजात की शक्ल नसीब फरमा एल्लामारे अकाबरीन की हिफाजत फरमा एल्ला तहफ में सिलसिले में जो प्रोग्राम छह साल

ये सात आठ नवंबर को होने वाला है उसकी पूरी अल्लाह हिफाजत फरमा और उससे पूरे मुल्क में और पूरे आलम इस्लाम में ए हिदायत का ज़रिया बना और सारे फ़िर बातिला को नेत नाबूत फरमा सारे फ़िर बातिला को ख़त्म फरमा इन अकाबरीन की हिफाजत फरमा ए अल्लाह अपने फ़जल से अपने कर्म से हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फ़रमा व सल्ला तैरी खलक़ी मोहम्मद वाली ही वबी ही ही अजमीन बेरहमति लग। मैं अपने आए हुए जितना मेहमान सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर के कुली बाजार के जो नौजवान ने मेहनत किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं